कराची के 24 बच्चे नासा के खसूसी कैंप में शिरकत के बाद वापस पहुंच गए। बच्चों का कहना है कि उनके लिए नासा हैरान कुन जगह थी, वहां उन्हें रॉकेट के बारे में मालूम मिली। और उस जज्बे की रिपोर्ट देखिए, रॉकेट बनाना सीखा, रॉकेट के पार्ट वगैरह हमने सीखा कि उसके अंदर रॉकेट के अंदर कितने पार्ट होते। अपनी जहानत से शानदार कारकर्दगी दिखाई तो नासा भी पाकिस्तानी तलबा को अमरीका बुलाने पर मजबूर हो गया। नासा स्पेस सेंटर का दौरा करने वाले कराची के 24 बच्चों की वतन वापसी पर तकरीब में शिरकत। बच्चों ने अपने दौरे के हवाले से बताया कि उनके लिए नासा बिल्कुल नई और हैरान कुन जगह थी। वो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम नासा से होके आ चुके, क्योंकि कराची जैसे शहर से नासा जाना बहुत ही बड़ी बात है कि वो यूएस एक नासा स्पेस कैंप से होके आए। यहाँ पर जाके हमने बहुत सारे साइंस के बारे में सीखे, बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए, हम एस्ट्रोनॉट से मिले। वहाँ पर हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहाँ पर हम लोग ने एक्टिविटीज तो की, लेकिन हम लोग ने वहाँ पर मिशन भी किए, लाइक ब्रावो मिशन, अल्फा मिशन, मार्स मिशन। तकरीब में अमरीकी कौंसल खाने के ऑफिशियल ने बताया कि अमरीका तवील अरसे से मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्राम्स के जरिए पाकिस्तान में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट समेत मुख्तलिफ उलूम के फरोग के लिए ताबुन जारी रखे हुए है। US consulate in Karachi funded a grant to the Dawood Foundation to promote STEM education in Pakistan. We through this grant 50 schools in Karachi participated. 100 teachers were selected to receive specialized STEM training. STEM is science, technology, engineering and mathematics. यकीनी तौर पर पाकिस्तानी तलबा का नासा कैंप में शरीक होना मुल्क के लिए किसी एजाज से कम नहीं।